हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बोरिक एसिड की हेल्प से फेविकॉल और फेविगम का स्लाइम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इस बाउल में पूरा फेविकॉल निकाल लेते हैं। तो अब मैं इसमें कलर यूज़ करूँगा, आप वाटर कलर और फूड कलर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं बोरिक एसिड का सॉल्यूशन बनाने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी लूँगा, फिर इसमें एक छोटा चम्मच बोरिक एसिड का डाल दूँगा। दोस्तों ये भी एक स्लाइम एक्टिवेटर की तरह काम कर जाता है। दोस्तों ये गर्म पानी में अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा, इसके लिए हमें इसे अच्छे से मिलाना होगा। स्लाइम को नॉन स्टिकी बनाने के लिए आप मॉइस्चराइज़र, लोशन या फिर बेबी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें बोरिक एसिड सॉल्यूशन डालते हैं और देखते हैं कि स्लाइम बनता है कि नहीं। दोस्तों आप भी इसका थोड़ा बहुत टेक्सचर देख सकते हैं कि थोड़ा स्लाइम के जैसा लगने लगा है। तो चलो थोड़ी देर के लिए इसे रख देते हैं और अब फेविगम का स्लाइम बनाते हैं। गाइस इसमें भी सेम प्रोसेस है, आपको बोरिक एसिड का सॉल्यूशन लेकर थोड़ा सा डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मैं थोड़ा सा और डाल लेता हूँ। इसको कंटिन्यू मिलाते रहना है। तो बस अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देना है। दोस्तों बस इसके बाद आप खुद देख पाएंगे कि आपका जो फेविगम है वो स्लाइम का टेक्सचर लेने लगेगा। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि स्लाइम का टेक्सचर पूरी तरीके से ले चुका है। गाइस जो लेफ्ट साइड में फेविकॉल का स्लाइम बना है उसका टेक्सचर प्रॉपर स्लाइम की तरह नहीं लग रहा है, पर हमारा ये फेविगम का स्लाइम पूरी तरीके से बन चुका है। आप घर पर बना के भी देख सकते हैं। दोस्तों ये सच में मार्केट स्लाइम से भी अच्छा इलास्टिक वाला फील दे रहा है। तो दोस्तों अब मैं कह सकता हूँ कि आप फेविकॉल का तो नहीं, पर इस तरीके से फेविगम का स्लाइम बना सकते हैं और हमारा ये मेथड 100% वर्क करेगा। और जो हमारा ये फेविकॉल का स्लाइम था ये तो पूरा एक बाउंसिंग बॉल की तरह काम कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को घंटे वाले आइकन के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलें।